आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करते हैं, शांति के लिए सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं।